भ्रष्टाचार के पैसे से धर्मांतरण को प्रोत्साहित कर रही है, नक्सलवाद को प्रोत्साहित कर रही है, हमारा साफ आरोप है। ये चारों एक ही हैं, ये स्क्वायर हैं, ये स्क्वायर के चार कोने हैं, 1, 2, 3, 4। धर्मांतरण, भ्रष्टाचार, कांग्रेस, नक्सल। तो एक गिरम घटना हुई थी, बड़ी घटना हुई नहीं, मैं इसे एकदम सिक्योरिटी चूक मानूंगा। और एक बार जान जाइए, जब गिरम की घटना हुई थी उस वक्त केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी, कांग्रेस ने सीबीआई इंक्वायरी नहीं करवाई। वहाँ पर हुई है जाति जनगणना, आपको लगता है छत्तीसगढ़ में कुछ इसका प्रभाव हुआ? देखिए, बिहार में जो जातीय जनगणना हुई है उसमें तो ये इंडिया अलायंस वाले जो हैं, इंडियन नेपोटिस्ट डकैत इंडिया एसोसिएशन जो है, ये तो ऑलरेडी इन्हीं के लिए घटक दल आपस में सवाल उठाने लगे कि जातीय जनगणना ठीक नहीं हुई। इनके ही हम लोगों ने सवाल नहीं उठाया, इन्हीं के दल के आपस के लोगों ने सवाल उठा दिया कि जनगणना ठीक नहीं हुई, फिर से की। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ सरकार तो जातीय जनगणना करवा चुकी है 2020 और 21 में। भूपेश बघेल जी ने कहा है कि सारे गणना हमारे पास, जारी क्यों नहीं कर रहे? और जारी पहला गणना को जारी नहीं किया और कह रहे हैं कि दूसरी बार फिर जातीय जनगणना करवाएंगे। ये ढकोसला, आपको क्या लगता है जनता इतनी मूर्ख की नहीं समझती है? जनता सब कुछ समझ रही है। अब किसको जातीय जनगणना नहीं पता है? आप इस जगदलपुर विधानसभा में क्षेत्र में हैं, क्या हर राजनीतिक दल को और हर पत्रकार को यहाँ के जाति का समीकरण नहीं पता? ऐसे ही आज 77 साल से देश की राजनीति चल रही है। तो पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए कुछ भी कहना करते रहिए, डिस्कोर्स चेंज करते रहिए, अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए जातीय जनगणना बोलते रहिए, लेकिन जनता मूर्ख नहीं है। आज बस्तर की जनता, यहाँ की जनता की बात करें तो वो अपने बेसिक चीज से परेशान है, उसका रोजगार, उसकी आमदनी, उसके जीने रोज बदलने का तरीका बदल रहा है। आप ये देखिए, जो धर्मांतरण करवा चुके हैं, इतनी कट्टरता बढ़ रही है, आप लोगों ने देखा होगा, लोग प्रसाद देने से डर रहे हैं। मुझे बताया गया कि ड्राइवर बोलता है कि नहीं 5 बजे छोड़ दीजिए, मुझे चर्च जाना है प्रेयर करना। ये धार्मिक अंधता में देश किधर जाएगा? लेकिन बताइए, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।